ओके यस, बताओ बच्चों प्रीवियस क्लास के डाउट्स। अभी तक हम पढ़ चुके हैं अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर तीन अप्लीकेशंस। फर्स्ट अप्लीकेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, सेकंड अप्लीकेशन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, एंड थर्ड वन वाज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और कल के लेक्चर में लास्ट में हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में भी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पहले आज के लेक्चर में कल के डाउट्स लेते हैं और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्वेश्चन डिस्कशन हो जाए थोड़ा सा। आप अपने डाउट्स बताइए, कहाँ कहाँ किस किस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं बताइए। 11th क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2। आपका ये जो फंक्शन है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस वन, इस फंक्शन को नाम दे दिया मैंने एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है किस इंटरवल के ऊपर? 1 2 इंटरवल के ऊपर, राइट। तो लीस्ट वैल्यू निकालनी है किसकी? ए की। ए की वो लीस्ट वैल्यू बतानी, कम से कम वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू जिसके ऊपर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए। ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? बड़े भैया से। बड़े भैया हमने किसको बोला हुआ है यहाँ पे? एफ डैश एक्स। ठीक है ना, हाँ। पूरी वीडियो में हम अगर बड़े भैया बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? डेरिवेटिव को। ठीक है, तो जो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव है वो डिसीजन लेता है घर में, बड़ा भैया भाई, सारे डिसीजन उसके ऊपर है। तो डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, क्या आ जाएगा? 2x+a, राइट। डेरिवेटिव आ गया 2x+a। अब जब भी आप डेरिवेटिव निकालते हो, जब भी आप डेरिवेटिव निकालते हो, आप क्या करते हो? इक्वल टू जीरो पुट करके क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हो। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के बाद हम उनको प्लॉट प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, और फिर हम इंटरवल्स बांटते हैं। इंटरवल्स बांटने के बाद उन इंटरवल्स में हमें पता चलता है कि भाई इसमें इंक्रीजिंग आ गया, इसमें डिक्रीजिंग आ गया, ऐसे कुछ बिहेवियर्स हमें पता चलते हैं, राइट, क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर। ठीक है ना, ओके, प्लॉट्स बटने के बाद इंटरवल बट जाते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है, तो मैं क्यों इंटरवल्स बांटूँ, क्यों मैं क्रिटिकल वैल्यू निकालूँ? मैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी लिखने जा रहा हूँ। बंदे ने देखो हमें क्वेश्चन में बताया है, ये जो फंक्शन है ना इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के ऊपर, 1 2 इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो बड़े भैया है ना एफ डैश एक्स, वो क्या रहेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्री, बोलो। इस इंटरवल के ऊपर इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो एफ डैश एक्स उठाओ, 2x+a ये क्या रहेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिला हमें? a ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, राइट। तो जो आपका इंटरवल है, आपका जो इंटरवल है उसके अंदर, हाँ, 1 2 इंटरवल के अंदर चेक करना है। तो 1 2 के अंदर बात करें तो इसके लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? -2, और ये चली जाएगी -4। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव साइन है इधर 2x+a। अगर हम बात करें एक बार के लिए इक्वल टू 0 पुट करके, ये आ जाएगी मेरी वैल्यू। अरे सॉरी, मैं गलत निकाल बैठा हूँ, सॉरी 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 सॉरी। वैल्यू तो एक्स की निकालते हैं ना बच्चों, वैल्यू तो एक्स की निकालते हैं ना। देखो एक बार क्रिटिकल वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ यहाँ से। एफ डैश एक्स निकाले एक बार, एफ डैश एक्स निकाले। एफ डैश एक्स को जब आप इक्वल टू 0 रखोगे तो 2x+a इक्वल टू 0 रखने के बाद वैल्यू किसकी आती है? a की आएगी ना, x इक्वल टू -a/2 आएगा, x की वैल्यू आएगी, सॉरी यही आएगा, बोलो। तो दिस शुड बी आवर क्रिटिकल पॉइंट, ये अपना क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। अब इस पॉइंट से लेफ्ट में और इस पॉइंट से राइट में हम प्लॉट बांटेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे ये सपोज कहीं पे भी, ये तो 0 है और ये -0, छोड़ो, -a/2 कहीं पे क्रिटिकल पॉइंट है, और हम ऐसा बोलेंगे एक तो -a/2 से इधर, एक -a/2 से इधर, राइट। बट हमें तो बात करनी है इस इंटरवल के अंदर, हमें बात करनी है इस इंटरवल के अंदर 1 से 2 के अंदर। तो ये जो -a/2 क्रिटिकल पॉइंट आया आपका, ये इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं बोल सकते। एक्स इक्वल टू -a/2 जो पॉइंट आया, एक्स इक्वल टू -a/2, एक्स इक्वल टू -a/2, नहीं अभी कहाँ लिया मैंने, अच्छा यहाँ पे नंबर लाइन पे, यहीं पे तो रुक गया, इसीलिए तो रुक गया, इसीलिए तो रुक गया। ठीक है, ये इन भी इनके बीच में तो इसलिए लिया था क्योंकि हमें इस इंटरवल में काम करना है ना,
हमें सिर्फ इसी इंटरवल में रहना है, हम उस इंटरवल से बाहर जाके क्या करेंगे, कर्व से बाहर कुछ भी रिएक्शन दिखा रही हूँ, हमें उससे कोई कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 1 2 इंटरवल के अंदर देखना है, 1 2 इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली इस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग दिखाना है। मैं बार बार, क्योंकि हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया ना, तो मेरा दिमाग वहां जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रुक जा भाई। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रुक जा, आवाज आ रही है ना आपको इसकी? हाँ, अच्छा देखो, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू नहीं निकाल रहे, एफ एस एक्स को 0 के इक्वल मत रखो। सुनो, इसने एफ एस एक्स क्या दे रखा है बच्चों, हमारे पास 2x प्लस ए आ गया। हाँ, इंक्रीजिंग दे रखा है ऑलरेडी। अब इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लगा दो, जस्ट इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि वो 2x प्लस ए जो आपका डेरिवेटिव हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? तो 2x प्लस ए मैंने रख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से मेरे को पता चला x ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, माइनस ए बाई टू से, ठीक है? या फिर तुम ए की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू निकाल लो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए माइनस 2x से, राइट? अब मैं तुम्हें एक सिनेरियो दिखाता हूँ। सपोज आपके पास ये फंक्शन है, सपोज आपके पास ये फंक्शन है और मैंने दे दिया ये इंटरवल, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 5। 1 से 5 इंटरवल के अंदर अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो बच्चों 1 से उठने के बाद 1 से आगे वाली वैल्यू पे तुमने एक्स को बढ़ाया, एक्स बढ़ रहा है ना इधर, बोलो? जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो इसके ग्राफ को बढ़ना पड़ेगा ना 5 तक, अगर ये इंक्रीजिंग कहलवाना चाहता है। तो 1 पे तो इसकी सबसे कम वैल्यू आएगी, लीस्ट वैल्यू इसकी सबसे 1 पे ही मिलेगी, और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी 5 पे, मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ आई? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो तुम्हें इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि इस इंटरवल में तुम्हारा फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है। अगर दोनों तरह का सिनेरियो है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ना इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो तुम कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ लीस्ट कहाँ मैक्सिमम। अगर फंक्शन उल्टा होता, डिक्रीजिंग होता, तो 1 पे लेता हाईएस्ट वैल्यू जो भी है उसकी, और 5 तक आता डिक्रीज होता हुआ तो नीचे, ऐसे। बात समझ आ रही है? अब उल्टा हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू कितने पे हो जाएगी, इंटरवल के एंड पॉइंट पे, जो भी एंड पॉइंट है 2 5 पे हो जाएगी, और मैक्सिमम हो जाएगी किस पे, 1 पे, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो। डिक्रीजिंग है तो उल्टा सिनेरियो। तो मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ इस हिसाब से कि अगर आपको इंटरवल कभी भी दे रखा है 1 2 5 सपोज, तो अगर वो बंदा पूछ ले लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, तो ऑब्वियसली छोटे पॉइंट पे आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे, अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो। और डिक्रीजिंग है तो स्टार्टिंग वाले पे क्या आएगी, मैक्सिमम, और लास्ट वाले पे आएगी मिनिमम वैल्यू। तो हमें यही करना था, हमें पता चल चुका कि भाई जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना, वो हमें इसकी लीस्ट वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 × 1, तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -2, तो ए की लीस्ट वैल्यू आ गई, कम से कम वैल्यू, ए को -2 से बड़ा रखना पड़ेगा अपने को। बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अरे अभी अभी बताया, अरे 1 से ग्राफ तो स्टार्ट करेगा ना, वो बात मैंने आपकी मान ली, पुट नहीं कर सकते, लेकिन लीस्ट वैल्यू देख, मैंने भी तो ये लगाया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, अगर ओपन ब्रैकेट दे रखा था तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो। अब इसने इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी है, क्योंकि इसने दिया इंक्रीजिंग और दे रखा है ओपन ब्रैकेट, स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए था इसको, ठीक है? यहाँ पे आप सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल लगा सकते हो, ऐसे ये हो सकता है कि ए ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, ऐसे बोल सकते हो, राइट? लीस्ट वाले तो फिर भी -2 कहलवाएगी ना। और कोई आपके पास डेटा बताओ, चलो जतिन एक से जस्ट अगला पॉइंट बताओ मेरे को, ताकि वो मैं यहाँ पे पुट कर सकूं, यहाँ पे मैं पुट कर सकूं, और मैं आपको बता सकूं लीस्ट वैल्यू, बताओ एक से जस्ट। चलो 1 घंटा तो जतिन ही ले लेगा, 1.00000000000000000000001, मैं वही तो कह रहा हूँ, 1 घंटा तो जतिन ही लेगा 0 बोलने में, क्योंकि मेरे को तो लास्ट तक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी कि 1 के बाद यही पॉइंट आएगा, राइट? बस मेरी स्क्रीन तो खत्म हो गई। तो बात यही है, हमें स्टार्टिंग सिक्योरिटी गार्ड लेना पड़ेगा शुरू वाला, ठीक है ना? बस इसने ये कर दिया कि इसने क्या दे दिया, ओपन इंटरवल दे दिया, तो आप ऐसा बोल सकते हो, इक्वल टू वाला सिनेरियो रहने दे रहे, ए शुड बी ग्रेटर देन -2, ठीक है? फिर भी लीस्ट वैल्यू -2 ही बोली जाएगी,
और बताओ नेक्स्ट। 18 सेपरेट 0 टू पाई बाई 2 इनटू सब इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 3x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली। आपके पास फंक्शन दे दिया साइन 3x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 3x। इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर एल्गोरिथम होता है, भाई देखो एल्गोरिथम समझ लेना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 3x दे दिया, अब कह रहा है इसको इंटरवल सॉरी इंटरवल को स्प्लिट करना है, 0 से पाई बाई 2 का इंटरवल है, इस इंटरवल को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ठीक है ना, इतने पार्ट्स में तोड़ना है जहां जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली, राइट। तो पहले तो अपन अपना काम करते हैं, अपन डेरिवेटिव कर देते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स कितना आ गया, कॉस 3x और इनटू में 3। अब तुम एफ डैश एक्स का साइन देखना चाहते हो कि वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अब एफ डैश एक्स में 3 तो कॉन्स्टेंट है, ये तो साइन डिसाइड करेगा ही नहीं, अकेला कोस करेगा, बात समझ आई। अब कोस के अंदर जो एंगल है वो तो 3x है, अब यहां से बात मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, कोस के अंदर जो एंगल है वो तो 3x है, लेकिन तुम तो लिमिट लिए बैठे हो x की, तुमको जो बाउंडेशन दे रखी है ना वो x की दे रखी है, इंटरवल हमेशा x का दिया होता है कि x एक्सिस पे आप 0 से पाई बाई 2 तक जा सकते हो, बात समझ आई। बट आपको टेस्ट तो एफ डैश एक्स पे लगाना है, बड़े भैया से टेस्ट करके देखना है, बड़े भैया तो 3x की टर्म में आ गई, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि 3x कहां तक वेरी करेगा। तो हमें जो गिवन है ना उसको ऐसे लिख लेना हर बार कि 0 से लेके पाई बाई 2 तक तो x दे रखा है, हमें पता करना है 3x का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 0 से लेके 3x और ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2, कितने क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाएंगे 3 पाई बाई 2 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर तुम्हारा एंगल 3x है तो कोस है ना 3 क्वाड्रेंट में सैर करेगा, मस्त घूमेगा ये अब, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब तीन क्वाड्रेंट्स की। अगर तुम एंगल, अगर तुम x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक पुट करोगे, कहां तक, अगर तुमने x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 पुट कर दी तो तुम सारा चक्कर लगा जाओगे यहां तक का, x की वैल्यू नहीं पुट करनी, 3x की पुट करनी है। अब केस बनेंगे 3x के, क्योंकि f डैश x के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया उसका थीटा आया 3x के टर्म में, तो ये इंटरवल टूटेंगे 3x की फॉर्म में। तो पहले तो ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहां से कहां तक, 3x को ले लो 0 से पाई बाई 2, बात समझ आई। फर्स्ट केस में 3x को ले लो 0 से पाई बाई 2 तक, 3x को, क्योंकि 3x यहां से यहां तक वेरी करेगा ना, तब कोस पॉजिटिव रहेगा, बोलो। तो तुम्हारा एफ डैश एक्स है ना वो ये आएगा 3, और जो कोस भाई साहब है ना कोस 3x वो रहेंगे पॉजिटिव, अगर तुम्हारा 3x 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो। अब कोस के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो कंप्लीट एफ डैश एक्स कैसा आया, पॉजिटिव आया, बोलो पॉजिटिव आया। तो ये बोलेगा कि फंक्शन जो है ना उसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करा दूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करा दूंगा, लेकिन अगर मैंने बाई चांस पाई बाई 2 को पुट कर दिया खुद 3x की जगह, तो कोस तो 0 हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिक्टली बताना है तो हम पाई बाई 2 को पुट नहीं करेंगे, बात समझ आई। तो इस पाई बाई 2 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, इस पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा, ये इंटरवल देखो मैंने क्या बनाया है, किस्सा समझ आया। अगर पाई बाई 2 पुट कर दिया तो 0 बन जाएगा, और एफ डैश एक्स 0 बन गया तो इंक्रीजिंग का केस बन जाएगा, स्ट्रिक्टली का नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी तुम्हें लिमिट पता चली है 3x की, लेकिन क्वेश्चन वाले को तो x की चाहिए ना, क्वेश्चन वाले को तो x की चाहिए क्योंकि उसने इंटरवल x में दिया है, तो तुम वापस x में लाने के लिए अब इस इंटरवल को 3 से डिवाइड करा दो, बस सिंपल। तो 3 से डिवाइड करा तो क्या आया, 0 से x, और 3 से डिवाइड किया तो यहां बना पाई बाई 6, किस्सा समझ आया। 0 से पाई बाई 6 का मतलब कहां से कहां तक, 0 से लेके 30, तो तुम्हारा 0 से 90 वाला इंटरवल टूट चुका है, 0 से 30 तक तो वो रहेगा कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अब आ जाओ दूसरे केस पे, दूसरा केस तोड़ रहा हूं मैं, ये देखो हमने क्या किया था, हमारे डेरिवेटिव को फोकस किया था क्योंकि बड़े भैया ही बताएंगे। अब बड़े भैया को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब बड़े भैया की बारी है सेकंड क्वाड्रेंट की, लेकिन सेकंड में कोस कैसा रहता है, नेगेटिव। अब लगे आ थर्ड की भी देख लेते हैं, पूरे में ही कैसा रहता है, इन दोनों में नेगेटिव रहता है ना, सेकंड और थर्ड में। तो ये इंटरवल इकट्ठा ले रहा हूं मैं पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2,
यानी कि तुम्हारा जो एक्स है, सॉरी 3x, 3x की बात कर रहे हैं हम, तुम्हारा जो 3x है वो वेरी करेगा 0 से लेके, सॉरी पाई बाई टू से लेके कहाँ तक, 3π/2। लेकिन हमें बात करनी है स्ट्रिक्टली की, तो ना तो इधर लगा सकते इक्वल टू, ना इधर लगा सकते, क्योंकि दोनों पे लगा दिया तो गेम खत्म, क्योंकि 3π/2 पे भी 0 होता है। तो इस इंटरवल के अंदर अगर बात करना चाहूँ एफ डैश एक्स की, तो एफ डैश एक्स आएगा आपका क्या, 3 cos 3x, और आपका cos 3x इस इंटरवल में रहेगा नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो कंप्लीट एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई, मतलब लेस देन जीरो। लेस देन जीरो आ गई मतलब बड़े भैया फंक्शन के बारे में क्या बताएंगे, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं x की वैल्यू क्या आई, हमने लिमिट ली थी 3x की, लेकिन इंटरवल दे रखा है x में, हमने 3x की लिमिट इसलिए ली थी क्योंकि हम f'x में काम करना चाहते थे और f'x है 3x की टर्म में, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर रहे थे ताकि 3x की लिमिट निकाले थे एंगल कहां तक वेरी करेगा। लेकिन हम वापस आ जाते हैं x में, तो इस इनइक्वालिटी को दोबारा उठाना जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब पूरी को 3 से डिवाइड करा दो, तो यहां बना पाई बाई 6, यहां बना x, यहां बना 3 से 3 कैंसिल और क्या आ गया, पाई बाई 2। कोई दिक्कत? तो इंटरवल टूट चुका है भैया, इस इंटरवल को तुम क्या लिख सकते हो, यहां पे इक्वल टू नहीं लगा सकते, इस इंटरवल को क्या लिख सकते हो बताओ, 0 पे तो क्लोज्ड और पाई बाई 6 पे कैसा, ओपन, और पाई बाई 6 पे ओपन और पाई बाई 2 पे कैसा, ओपन, क्योंकि इन दोनों पे 0 बन रहा था, ठीक है ना। तो ये इंटरवल तो आया, इंटरवल तोड़ दिया तुमने, देखो पूरा इंटरवल था 0 से 90 तक का, 0 से लेके 90 तक का तुमने तोड़ दिया 30 तक, कि 0 से 30 तक की वैल्यू में तो कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग, और 30 से 90 कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग। ये इंटरवल है डिक्रीजिंग का, हुआ है इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली तोड़ दिया इंटरवल। लास्ट में एक लाइन लिख देना, हेंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है, ओके। अब उसने है ना आंसर में 0 नहीं दे रखा, आंसर में देखो 0 के साथ ओपन इंटरवल लगा रखा, लेकिन हमने लगा दिया क्लोज्ड। हम अपने कंसेप्ट के साथ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तुम 0 को पुट करते हो ना इसके अंदर, देखो उसने गिवन इंटरवल में 0 दिया हुआ है, तो हम पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, और हमें बताना है स्ट्रिक्टली। लेकिन 0 पुट करने से हमारे कोस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 0 पुट करने से वो 1 और होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ आएगा क्लोज ब्रैकेट, बात समझ आई, 0 से पाई बाई 6। ओके और बताओ, यस डाउट्स क्लियर, नेक्स्ट। हाँ जी जतिन, नो डाउट, वेरी गुड, नेक्स्ट। हाँ जी सर बोलो, अच्छा ऐसे बोल रहे हो क्या, वो तो कराएंगे। ओके लेट मी स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमने कल ये चीजें पढ़ी थी बच्चों, राइट, लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बात की थी, कि हम इंटरेस्टेड हैं उस फंक्शन की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू और सबसे लोवेस्ट वैल्यू निकालने में भी, और उसमें हेल्प की फिर से बड़े भैया ने, बड़े भैया बोलते हैं मैं निकाल के देता हूँ क्या दिक्कत है, ठीक है ना, तुम लोग बस मेहनत करो मैं निकाल के दे दूंगा, हो जा भाई इधर, ठीक है, हो गया। देखो अभी सबसे पहले थॉट पढ़ लेते हैं, इन मैथमेटिक्स द आर्ट ऑफ प्रपोजिंग ए क्वेश्चन, मेरी मोस्टली पीडीएफ में तुमको मिलता होगा, मस्ट बी हेल्ड ऑफ हायर वैल्यू देन सॉल्विंग इट। बंदा कह रहा है क्वेश्चन को प्रपोज करना ज्यादा बड़ी बात है, ज्यादा बड़ी बात है हायर वैल्यू देन सॉल्विंग इट, उसको सॉल्व करने से, तो कि हाँ तेरे को, मतलब वो बोलते हैं ना मुसीबत मोल लेना, ठीक है ना, मुसीबत मोल लेना बड़ी बात है एज कम्पेयर टू उसको सोल्व करना, उसको ट्राई करना बड़ी बात है, इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकलती है कि हाँ आपने ट्राई किया, हुआ नहीं वो बात की बात, आपने अपना बेस्ट दिया, राइट। हाँ जी नेक्स्ट, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में हमने पढ़ लिया था, अगर किसी बच्चे को जो इस लेक्चर को देख रहा है उसको मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है, तो जो लास्ट लेक्चर है ना उसमें आपको लास्ट की जो मिनट्स हैं उनमें मैक्सिमा एंड मिनिमा का डिस्कशन मिल जाएगा, राइट, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी,
और हमने ये बात की थी कि किसी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो उसकी किसी ना किसी क्रिटिकल वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू पे ही पीक बनता है, और पीक जा बनता है ना, वहाँ पे एक ऐसी टेंजेंट डल सकती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो उसका स्लोप कैसा होगा? जीरो। तो किसी भी फंक्शन की अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, दोनों का सिनेरियो सेम है, यहाँ पे ये नीचे ग्राफ में मिनिमम है, यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, तो सबसे पहला टास्क हमारा रहेगा एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखना? जीरो के इक्वल रखना, और उन पॉइंटों का पता करना जहाँ पे आपका एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, जहाँ पे आपका एफ डैश एक्स जीरो है, टू फाइंड दैट एक्स। तो सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में यही काम करने वाले बच्चों, जैसे ही मुझे क्वेश्चन दिखेगा मैं भाग के ऐसे कहूँगा बड़े भैया को ढूंढो कहाँ गई, बड़े भैया को ढूंढ के लाएंगे, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करते ही बड़े भैया को जीरो के इक्वल रख देंगे, ये पता करेंगे बड़े भैया सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होने वाले हैं, और उस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, उस इक्वेशन को सोल्व करके वहाँ से एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, जितनी भी वैल्यू आ जाएंगी। अब उन वैल्यूज में करनी होती है छटनी, छटनी का मतलब ये पता करना होता है कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी मिनिमम वैल्यू देगी, कौन सी मैक्सिमम देगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सपोज ग्राफ बनाइए, सिनेरियो दिखाने वाले, इसको समझाऊंगा। देखो अभी कर्व चल रही है ऐसे ऐसे मस्ती में लहर लेती, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो पता चला पक्का आएगा ये, जब तुम इस कर्व को सोल्व करोगे ना, जब तुम ये इस फंक्शन का तुम्हें कोई ना कोई मतलब इक्वेशन दे रखी मिलेगी, जब तुम इसको सोल्व करोगे और इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव को जब इक्वल टू जीरो पुट करोगे, तो कुछ ना कुछ एक्स आएंगे तुम्हारे पास, वो एक्स पक्का ही आएंगे, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, और एक ये आएगा, पक्का ये आने वाले हैं, कोई नहीं बचने वाला, एक दो तीन चार पांच, ये पांचों के पांच आएंगे, बात समझ आई? हाँ, और इन पांचों के पांच में फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सी मैक्सिमा की कौन सी मिनिमा की है। तो एक बात तो तुम्हें दिख रही होगी कि किसी फंक्शन की दो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ये देखो ये भी मैक्सिमम है, अरे भाई साहब ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम है ना। अब वो बात अलग है, वो एक सबसे भी ज्यादा मैक्सिमम होगी। देखो हम कंसेप्ट, हमें सिर्फ पता है यहाँ पे दो कंसेप्ट आने वाले हैं, एक तो आएगा क्या नाम दूं, एक तो आएगा ग्लोबल डॉन, एक आएगा ग्लोबल डॉन, ठीक है ना, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का जो गुंडा होता है ना, वो मेन वो, और एक आएगा लोकल डॉन, लोकल गुंडा, ठीक है, जैसे जतिन अपने घर का लोकल डॉन है, इसकी चलती है अपने घर पे फुल, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है ना, वो वाली बात, ठीक है। तो पॉइंट ये है, डॉन के ऊपर भी डॉन होता है ना, और एक वो होता है जो सबका डॉन होता है, सबका, उसको बोलते हैं अपन ग्लोबल गुंडा, जो सबसे मेन है, इंटरनेशनल डॉन। तो वो वाली चीज भी पढ़ेंगे हम लोग, एक ऐसी वैल्यू मतलब उस फंक्शन की वो बिल्कुल टॉप मोस्ट वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, और एक ऐसी, सपोज मैंने तुमको कल एग्जांपल दिया था, सपोज दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू क्या बताई थी आप लोगों ने, सबसे कम वैल्यू माइनस टू, तो आप लोगों ने ये बोला था कि ये फंक्शन माइनस टू से ज्यादा तो नहीं गिर सकता सर, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, बस माइनस टू तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, तो ऐसे सबसे कम वैल्यू भी तुम बता पाओगे, ठीक है। और कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो झोल ले रहे होंगे, बार बार मस्ती करते चल रहे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये होती है लोकल वैल्यूज, एक से ज्यादा जब आने लग जाए इनको लोकल बोलते हैं, ये सारे लोकल गुंडे हैं, लोकल मिनिमम है, और ये अपने अपने एरिया में काम करेंगे सिर्फ। तो आ जाओ इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ने से और ज्यादा समझ आएगा, ये दोनों कंसेप्ट, ग्लोबल डॉन और ये लोकल डॉन, दोनों समझ आएंगे, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक मैंने समझा दिए थे, अपने माइंड में ना स्टोरी क्रिएट रहनी चाहिए वो वाली, कि सबसे पहले क्या करेंगे सर फंक्शन मिलेगा, उसके बाद क्या करेंगे सर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, बड़े भैया निकालने जरूरी है, ठीक है, उसके बाद सर बड़े भैया को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, सर वहां से आएगा क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि सर क्रिटिकल पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन पीक गेन करेगा, सर वो पीक नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है, तो नीचे वाले को तो मैक्सिमम बोलेंगे सर, ऊपर वाले को सॉरी नीचे वाले को मिनिमम, ऊपर वाले को मैक्सिमम बोलेंगे। तो पॉइंट ये हुआ, अगर पीक निकालनी है ना तो क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, बस आधे से ज्यादा कम वहां पे हो जाता है। अब बात आती है छटनी करनी है कि कौन सी तो मैक्सिमम की क्रिटिकल वैल्यू, कौन सी मिनिमम की, उसके शक्ल पे तो लिखा नहीं होगा, हमें उनमें से छटनी पड़ेगी। जैसे तीन चार क्रिटिकल वैल्यू आ गई, पता चला उनमें से तीन तो मैक्सिमम की है, दो मिनिमम की है, ये देखो यहाँ पे इसी ग्राफ में देख लो, ये पी पॉइंट मिनिमम का है, आर भी मिनिमम का है, क्यू मैक्सिमम का है, एस मैक्सिमम का है, और ये कर्व ऐसे आगे होती तो ये भी किसका हो जाता, मिनिमम का। तो तीन तो मिनिमम के आगे पॉइंट और दो मैक्सिमम के पॉइंट आगे, तो इनमें छटनी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि टेंजेंट तो सारे में ही पैरेलल डल रही है ना भाई, टेंजेंट तो सभी में ही पैरेलल डल रही है, टेंजेंट तो आपको कुछ भी इशारे नहीं दे पाएगी। तो बात ये है हमें इन पॉइंटों में छटनी कैसे करनी है, अब वो सीखना चाहते हैं, वहां पे आए डेरिवेटिव, बड़े भैया अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज होगा वहां पे,
कि कैसे आप AOD यूज करोगे, कैसे डेरिवेटिव यूज करोगे, ठीक है ना। तो दो डेरिवेटिव टेस्ट आएंगे यहाँ पे, एक को बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। वो हमें छटनी करके देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये बताता है कि ये जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू आई ये कहाँ आएगी, ये नीचे वाले पीक पे आएगी या ऊपर वाली पीक पे आएगी। ऐसे ही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, वो भी यही बताता है कि आपकी पीक यहाँ आएगी या यहाँ आएगी आपकी पीक, ऐसे बताएगा वो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अच्छा होता है, सेकेंड भी अच्छा होता है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट सेकेंड टेस्ट होता है, वो आपको जल्दी आंसर दे देता है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के केस में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बेटर होता है, जहां भी ट्रिगो दिखे सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। इनमें बताऊंगा क्या क्या फर्क है, क्या चल रहा है इनके अंदर, ठीक है ना। टेस्ट करके देख रहे हैं बस हम, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टेस्ट करके देखा था ना, अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आया तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन जीरो आया तो इंक्रीजिंग, वैसा ही टेस्ट यहाँ करना है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। तो यहाँ तक तो आई थिंक हमने पढ़ लिया था रिमार्क तक, कि एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं दोनों का एक साथ, एग्री। ओके अब इससे पहले तो आपको डेफिनेशन देखी थी मैक्सिमा एंड मिनिमा की, बंदे ने मैक्सिमा और मिनिमा को डिफाइन किया था। मैक्सिमा को हमने इतना पढ़ा कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा को मिनिमम करके। अब बात आई लोकल और लोकल मिनिमा की, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। तो लोकल वर्ड से पता चल ही गया होगा, अपने गली गली में कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है ना, हर गली की बात करेंगे हम, राइट। तो आज वो बात करते हैं, सपोज आपका कोई भी फंक्शन है और उसका ग्राफ है पी क्यू आर एस, ये जो ड्रा हो रखा है, ठीक है ना। बंदा कह रहा है ये टर्न लेता है, टेक्स ए टर्न एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स, पी क्यू आर एस पॉइंट पे टर्न ले रहा है, दिख रहा होगा सबको, टर्न ले रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ये पॉइंट है जहाँ पे टर्न ले रहा है, ठीक है ना। मेरे पास मैसेज कर रहा, तुम्हारे पास एक वीडियो भेज दी है, उस वीडियो को देख के तुम्हें क्लैरिटी आएगी एक अच्छे सी, ठीक है ना, इसके कंसेप्ट के बारे में, राइट। तो मेरे को याद दिलाना, और आई थिंक आज लेक्चर के बाद वो वीडियो मैं तुमको यहाँ भी दिखा दूंगा, बता दे रहा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो जो अपने साथ सिनेरियो होता है ना पीछे वाला गाने वाला जिसमें सॉन्ग्स चल रहे हैं अपने, तो मैं किसी और की वीडियो अगर यूट्यूब पे चला के दिखाऊंगा तो वो फिर कॉपीराइट लगा देगा बेवजह, तो रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर देखेंगे उसको, याद दिला देना लास्ट में। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन लेता है टर्न। अगर ये देखो नीचे जा रहा था भाई साहब, एकदम ऊपर होने लग गया, बोला मैं तो ऊपर जाऊंगा मेरा मन कर रहा है, फिर ऊपर से बोला नहीं मैं तो वापस नीचे जाऊंगा, फिर बोला नहीं मैं तो ऊपर जाऊंगा, मैं तो नीचे जाऊंगा ऊपर जाऊंगा, ऐसे ही कर रहे हैं भाई, तू उछलता रहे, ठीक है ना, ऐसे 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 जाता रहेगा। साइन की जो कर्व होती है, साइन की कर्व मन चला होता है, वो भी उछलता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो अब तो बंदा कह रहा है एट दीज पॉइंट्स टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे स्टे लेती है कर्व, रुकती है, रुकी हुई है ना, रुकी हुई है, यहाँ पे भी रुकी हुई है, ठीक है ना। तो इनको स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट्स भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। अब बंदा कह रहा है देखो अब लोकल की बात करेगा, अब इस पी को है ना सिर्फ पी को, एक बात बताओ ये जो पी पॉइंट है ना ये नीचे बना हुआ है हमें तो दिख रहा है अभी, लेकिन इसका जो नेबरहुड है उसमें बात करते हैं, इसकी गली में, सिर्फ इसकी गली में बात करते हैं, इसका क्या सिनेरियो चल रहा है, इसकी गली के लेफ्ट में ये कैसा है, ऊपर से नीचे आ रहा है बोलो, और फिर नीचे से कहाँ जा रहा है, नीचे से कहाँ जा रहा है ऊपर। फंक्शन पहले हो रहा है डिक्रीज, फिर हो रहा है इंक्रीज, तो फंक्शन डिक्रीजिंग टू अगर इंक्रीजिंग जाए तो फंक्शन कैसा था, कल पढ़ा था फंक्शन कैसा था, वो वैल्यू कैसी थी, मिनिमा। इधर ही आ जाओ ना, ये लो बताया था कल, ये लो अल्टरनेटिव डेफिनेशन, अगर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जाए तो ये देखो डिक्रीज हो रही थी कर्व, फिर टर्निंग पॉइंट से इंक्रीज होने लगी, तो फंक्शन की वो वैल्यू कैसी थी, एक्स नोट के ऊपर नेबरहुड में कैसी वैल्यू थी, वो मिनिमम। तो यही कह रहा है यहाँ पे जो पी का पड़ोसी है ना, पी के ऊपर ये पॉइंट है सपोज कोई एक्स वन, और ये एक्स वन पॉइंट आया होगा एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करने से, जैसे ही जीरो के इक्वल पुट किया होगा हमारे पास एक वैल्यू आई होगी एक्स वन नाम की, और वो एक्स वन वैल्यू यहाँ पे है। अब उस एक्स वन के पड़ोस में देखते हैं एक्स वन का पड़ोस कैसे निकल के आएगा, थोड़ा सा उससे पीछे थोड़ा सा उससे आगे, तो एच जोड़ दिया एच घटा दिया, तो अब बात करेगा सिर्फ इस इंटरवल की। तो ये देखो इस इंटरवल की बात की हुई है, एक्स वन माइनस एच और एक्स वन प्लस एच, ठीक है, खुद पढ़ो तो भी समझ आना चाहिए, इसीलिए ये पीडीएफ लेके आया हूँ ताकि आप पढ़ो इसको तो समझ आए बातें। ऐसे कह रहे हैं स्मॉल इंटरवल ले लिया, ये इसकी गली ले ली, बस इसकी गली गली की बात करेगा क्योंकि ये लोकल डोर की बात करने वाला है। तो बंदा कह रहा है इसके बीच में है तुम्हारा एक्स, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो हो रहा है, यहाँ पे सिनेरियो हो रहा है हेयर वी नोटिस दैट एक्स वन इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, क्यों, और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, कल बताया था उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करने से, उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करने से मिनिमम वैल्यू आएगी। तो बंदा कह रहा है एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगी मिनिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल,
ठीक है, ये इसने नहीं बताया कैसे, क्योंकि इसको पता है थोड़ी सी ऊपर पढ़ के आए थे हम लोग। समझ आ गया? ऐसे ही क्यू पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्यू पॉइंट किसके ऊपर मिला था? एक्स टू के ऊपर। अब एक्स टू का पड़ोस देख लेते हैं। एक्स टू का पड़ोस थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, पड़ोस में ये कैसी हरकतें कर रहा है? पहले तो हो रहा है इंक्रीज, फिर हो रहा है डिक्रीज, तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जाए तो कैसी है वो वैल्यू? मैक्स वैल्यू। सर इसको याद कैसे रखी? सर इसको याद कैसे रखी? तो देखो सेंस के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा। पहले पहले वर्ड याद रख लो। अगर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जा रहा है तो इसकी वजह से मिनिमम, क्योंकि डिक्रीजिंग होता है छोटा। बात समझ आई? अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा रहा है तो कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। सेंस के अकॉर्डिंग याद कर लेना, हो जाएगी। ऐसा ही डिसीजन आर का करेगा, ऐसा ही डिसीजन एस का करेगा। आई थिंक अब बताने की जरूरत नहीं है। इस थ्योरी में यही बातें लिख रखी हैं, सबके ऐसे वो ले रखे हैं नेबरहुड इंटरवल, और सब में यही बताया हुआ है। बंदा कह रहा है पी और आर जो है ना वो तो पॉइंट से मिनिमा के, हमने देखा अभी अभी, और इनको कहा जाता है लोकल मिनिमा। तो एक से ज्यादा जहाँ पे चीज आ रही है ना उनके आगे लोकल जुड़ जाएगा फिर, क्योंकि वो लोकल डोर है भाई। पी अपने एरिया का है, आर अपने एरिया का है, मिनिमम है, लोकल मिनिमा है ये, ठीक है ना। इस कर्व की मिनिमम वैल्यू नहीं है पी, मैं फिर बता रहा हूँ, इस कर्व की, फंक्शन की, इस फंक्शन की ये कर्व है, इस कर्व की मिनिमम वैल्यू नहीं है पी और आर, अपने अपने एरिया की मिनिमम वैल्यू है। पी को जानता है सिर्फ ये इंटरवल, और आर को जानता है सिर्फ ये इंटरवल, इससे बाहर की बातें नहीं जानती, तो ये लोकल मिनिमा है। ऐसे ही ये जो दोनों पॉइंट एक्स टू और एक्स फोर, ये पॉइंट्स हैं लोकल मैक्सिमा के, ठीक है। ओके, लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन पढ़ लीजिए एज इट इज है, जो डेफिनेशन पहले थी बिल्कुल डिट्टो। बंदा कह रहा है एफ कोई रियल फंक्शन है, एक्स नोट कोई इंटीरियर पॉइंट है, डोमेन का भी पॉइंट लोगे, ऑब्वियस सी बात है। अब की बार आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये बात है, फंक्शन की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था ना तो वहां पे फंक्शन को एक इंटरवल पे डिफाइन किया था, कोई ए बी इंटरवल लेना है, कोई ए बी इंटरवल लेना है, ये देख लो ए बी इंटरवल पे बात की थी, ठीक है ना, एक फिक्स आई इंटरवल पे। अब इंटरवल ले लिया तो बंदा कर रहा है, बात कर रहा है डोमेन की, तो डोमेन पे से तो कोई पॉइंट उठाओगे तो अलाउड है, कोई भी पॉइंट उठा लो, क्योंकि उस पर तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, बस डोमेन से बाहर का पॉइंट नहीं उठा सकते ना। सपोज पता चला तुमने फंक्शन ले लिया एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, और तुम एक्स की वैल्यू कर रहे हो मैं तो वन पुट करूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। तुम कह रहे हो जो मिक्सी है ना जूस निकालने वाली, उसमें पत्थर डाल के पत्थरों का जूस पीऊंगा, मेरा मन कर रहा है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो बात कर सकते हैं सिर्फ डोमेन की, क्योंकि डोमेन वाले पॉइंट का ही ग्राफ ड्रॉ होगा, और जिनका ग्राफ ड्रॉ नहीं होता उनको करते हैं अप्रोच, उनकी निकालते हैं लिमिट, और लिमिट के बाद पढ़ते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम वहां पे आ रखे हैं, है ना, तो बात करेंगे डोमेन की। हाँ जी, तो डोमेन का पॉइंट है कोई भी भाई, इंटीरियर पॉइंट है, वी कैन से दैट एक्स नॉट जो वैल्यू है ना वो लोकल मिनिमा की है, कब? इफ देयर इज एन ओपन इंटरवल। ये देखो एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, अरे नेबरहुड पड़ोसी उसका एरिया, हाँ, जो उसको कंटेन करता हो, और ऐसा होना चाहिए उसके उस एरिया में जब आप उसको वैल्यू को फंक्शन में पुट करो तो फंक्शन की वैल्यू बाकी सारी वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। ये देखो एफ ऑफ एक्स नॉट वैल्यू छोटी होनी चाहिए बाकी सारे एफ एक्स से, फॉर एवरी एक्स इन दैट ओपन इंटरवल, सिर्फ उसी इंटरवल की गारंटी ली है, तब उस एफ ऑफ एक्स नॉट को कहा जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। बात समझ आई? इन दोनों को इकट्ठा बोला जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम को एक्सट्रीमम वैल्यूज। देखो ऊपर वाली पढ़ रहा था नीचे वाली पढ़ चला, तो मैक्सिमम किसको बोला जाएगा बच्चों? एक्स नॉट को, ऐसा जस्ट उल्टी आपको पता ही है, मैक्सिमम उस पॉइंट पे वो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी बाकी सारी वैल्यूज से, फॉर एवरी वैल्यू इन दैट ओपन इंटरवल। तुम देख सकते हो ये जो फंक्शन का ग्राफ है बेचारे का, यहाँ पे देख लो एस के ऊपर, एस के ऊपर इस नेबरहुड में, इस पड़ोसी में, यहां से यहां तक ये पड़ोसी में, एस सबसे ऊपर है ना, तो एस जो है वो मैक्सिमा की वैल्यू है। एस वैल्यू कब मिलेगी? जब तुम इस एक्स फोर पॉइंट को किसमें पुट कर दोगे? फंक्शन में, तो एफ ऑफ एक्स फोर पे मिलेगी। इसमें बात कर रखी है एक्स नोट पॉइंट की समझाने के लिए, इसे समझाने के लिए बात कर रखी है कि कोई भी एक्स नोट पॉइंट है उसको फंक्शन में पुट कर देना। तो ये जो होता है ये तो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अरे डबल डबल, ये मेरे से गलती हो गई भाई, मैं सोचा ये क्या होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं थ्योरम, और इस थ्योरम का प्रूफ है आपकी बिल्ड। चलो आप एक काम करके लाओगे, सोच के आना इसको, ठीक है ना। जैसे कल भी हमने एक ये वाली चीज की थी, मैंने उसको थ्योरम से नहीं कराया, फील किया था हमने कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इस बात की गारंटी कैसे मिल रही है? हमने गारंटी ली थी स्लोप से, एफ डैश एक्स से। स्लोप का पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है? कि जो टेंजेंट है ना वो इस टाइप की है, इस टाइप की,
और इस टाइप की टेंजेंट सिर्फ ऐसी ही कर्व पे डल सकती है जो इंक्रीज होती हो। किया था हमने फील इसको, तो सेम अभी ये बंदा बता रहा है, देखो अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, मतलब डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना भाई, तभी तो बात कर पाओगे, इन द इंटरवल ए बी एंड द फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रख रहा है, तो बंदा कह रहा है उसका डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे जीरो होगा। और आई थिंक इस बात को समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पीक पे बनेगी, और पीक बनेगी तो वहां पे टेंजेंट डलेगी कैसी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका प्रूफ ढूंढना, ठीक है ना, ढूंढना अगर तुमको मिल जाए तो। वैसे तुम्हारे ये प्रूफ है नहीं, तुम लोग सारे प्रूफ्स पढ़ोगे जब तुम हायर मैथ में चले जाओगे ना भाई, वहां पे सिर्फ प्रूफ्स हैं और कुछ भी नहीं है। भूल जाना ये मैथ तुम्हें मिलेगा कैलकुलेशन वाला और ये नंबर्स के साथ खेलना नहीं, बस प्रूफ्स है, थ्योरम्स ही थ्योरम्स है, प्रूफ्स ही प्रूफ्स, रामानुजन बनना पड़ेगा। देखो द पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, वैसे रामानुजन प्रूफ्स नहीं करते थे भाई, रामानुजन रिजल्ट्स बताते थे डायरेक्ट, ये बोलते थे कि मुझे प्रूफ का नहीं पता, प्रूफ आप देख लो, वो सीधा रिजल्ट पे पहुंचते थे। द पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा उसको क्रिटिकल पॉइंट, हमें पहले से ही पता है, ये क्या बताएगा हमें, है ना। हाँ जी ठीक है, तो इसको काट देते हैं, इस लाइन को हमें मत बताओ, है ना, हमें पता है। ठीक है ओके, अब अच्छी लग रही है। अब आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यहां से स्टार्ट होती है बच्चों वो बात कि आपको अब पता करना था कि चलो ये तो हो गया इस थ्योरम से फिक्स, ये थ्योरम ऐसे खुश होगी कि मैंने तुमको समझा दिया, थ्योरम बोल रही है बात कि मैंने तुमको ये बता दिया है कि अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना तो वो वहां पे करेगी जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा, इस थ्योरम को ये बोलो हमें पता है पहले से, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, अब करते हैं, अब इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना, अब इसकी हेल्प लेते हैं, तभी इसके ऊपर टिक लगाया है, क्योंकि ये हमें ये बताएगा, वैसे हम कर वैसे भी सकते हैं इसके बिना भी, लेकिन सामने है ना तो पढ़ देते हैं, चलो इसका भी है ना भाई, ये आया है सामने तो इसको थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये वो चीज है, आपको ये तो पता चल चुका था कि डेरिवेटिव जीरो दो दो जगह हो सकता है, कोई बंदिश नहीं है, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, अब हमें इनके अंदर करना था डिस्टिंग्विश कि कहां पे मैक्सिमम होगा कहां पे मिनिमम, तो वहां पे आया डेरिवेटिव टेस्ट, एक टेस्ट करके देखना है, अगर उस टेस्ट में ये रिजल्ट मिल गया तो मिनिमम, ये रिजल्ट मिल गया तो मैक्सिमम, दो तरह की बातें होंगी, अगर ऐसा हो गया तो मिनिमम, ऐसा हो गया तो मैक्सिमम, और ये भी तुम पढ़ चुके हो, ठीक है ना, ऑलरेडी पता कर चुके हो तुम यहाँ पे इस बात से, ये वही बात थी, ये वाली बात, समझ आया, यही बात बताएगा, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदाज में करके बताएगा, तुमको एग्जाम में कैसे करना है, कॉपी पे सामने वाले के सामने कैसे करना है, वो चीज समझाएगा। तो पहले वर्किंग रूल पढ़ना, वर्किंग रूल से अच्छा समझ आएगा, ये भी वही है, ये तीनों पॉइंट सेम है जो वर्किंग रूल में है, तो वर्किंग रूल पढ़ लो, वर्किंग रूल में तुम्हें ये पता चल जाएगा टू फाइंड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले फाइंड करनी है ना, तो उससे पहले उसका पॉइंट पता करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे वो वैल्यू मिलेगी, राइट, ये वैल्यू पता करने के लिए तो उस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देते हैं, बस आ जाएगी वैल्यू, है ना, तो बड़ा टास्क है पॉइंट पता करना, अब पॉइंट भी हमें पता करना आता है, क्या करते हैं, फाइंड एफ डैश एक्स, उसके बाद पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, सोल्व दिस इक्वेशन एंड ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑब्वियसली बात एक इक्वेशन बनेगी, कोई भी पॉलीनोमियल इक्वेशन या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसको सोल्व करोगे तो कोई ना कोई तो एक्स की वैल्यू आएंगी डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री एंड द कंडीशन, चार डिग्री का पॉलीनोमियल है तो चार रूट्स आ जाएंगी, पांच डिग्री का तो पांच आ जाएंगी, क्रिटिकल वैल्यू आएगी, बात ये है, आगे हर क्रिटिकल वैल्यू को बारी बारी पकड़ के टेस्ट करना है, सपोज चार क्रिटिकल वैल्यू आएगी तो चारों का बारी बारी नंबर आएगा, तो ये एक पे करके दिखा रहा है तुम्हें कि क्या बताना है तुम्हें, और हर एक पे सेम टेस्ट लगाना है, और वो जैसा रिएक्शन देगी उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिसीजन दे देना है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसे बोलेंगे और ऐसा हुआ तो ऐसे बोलेंगे, तो आ जाओ वो डिसीजन क्या है, टू टेस्ट द पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए, बंदा एक पॉइंट उठा के चल पड़ा, ये कह रहे डिटरमाइन द, सबसे बड़ी बात आ चुकी है, डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स स्लाइटली लेस देन एंड स्लाइटली ग्रेटर देन, आपको सपोज मिला क्रिटिकल पॉइंट वन, आपको वन से स्लाइटली लेस देन वैल्यू लेनी है लेफ्ट साइड की, और उससे लेनी स्लाइटली ग्रेटर देन, भाई साहब वन से स्लाइटली लेस देन का मतलब जीरो नहीं होता,
और स्लाइटली ग्रेटर देन का मतलब 2 नहीं होता भाई साहब, 1.5 भी नहीं होता, बता रहा हूँ। इतने से जगह में भी वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा कसम से, क्योंकि तुम सोच सकते हो तुम्हारा जो फंक्शन है ना वो कर्व है यार, और कर्व है ना कभी भी पलट सकती है, उसका भरोसा मत माना। सपोज कर्व है ना ऐसे जा रही थी, सपोज कर्व ऐसे जा रही थी, मन किया इस पॉइंट पे ऐसे होगी, फिर मन किया इस पॉइंट पे ऐसे 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 ऐसे, कितने भी छोटे छोटे पॉइंट पे उसका मन किया वो कैसे भी हो सकती है, बोलो, इधर से इधर जा सकती है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना भाई वो, एक बार जैसे चल पड़ी वैसे चलती रहेगी, कोई हेडेक ही नहीं है, कर्व है भाई वो, ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे नजारे दिखाएगी हर छोटे छोटे पॉइंट पे, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? सर छोटे थे तब बहुत किए ये है ना कॉपी में, हाँ ठीक है ओके। तो अब बंदा कह रहा है जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए, जो भी क्रिटिकल पॉइंट सपोज आ गए दो, तो दो से स्लाइटली लेस वैल्यू बताओ, 1.9 बिल्कुल पास वाले ले लेना, ठीक है इतना भी वो नहीं करना सर, 1.99999 ले लेना, सोल्व भी करना है क्वेश्चन, शाड़े मत पंजी हो, टाइम लग जाएगा। और दो से स्लाइटली ग्रेटर देन 2.1, सबसे पहले चेक कर रहे हैं स्लाइटली लेस देन पे, बता रहा हूँ स्लाइटली लेस देन पे पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब सुनो, तो बंदा कह रहा है अगर तुम्हारा एफ डैश एक्स चेंज करे साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तुमने सबसे पहले स्लाइटली लेस देन पे वैल्यू निकाली, डेरिवेटिव का साइन आया पॉजिटिव, और फिर स्लाइटली ग्रेटर देन पे निकाली, डेरिवेटिव का साइन आया नेगेटिव, तुम जा रहे हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेंस के अकॉर्डिंग याद कर लो, सेंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, तो तुम्हारे फंक्शन जो है ना वो उस पॉइंट पे कैसी वैल्यू गेन करेगा, मैक्सिमम, यानी कि वो पॉइंट है मैक्सिमा का, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है वो, लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है, बात समझ आई? सेंस के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाली याद रखो, जैसे वहां पे याद करवाई थी ना डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग पहले आ गया तो मिनिमम, और इंक्रीजिंग पहले आ गया तो मैक्सिमम, बात समझ आई? तो सुनना है यहाँ पे टेस्ट क्या बोलता है, एक वैल्यू और ले रहा हूँ, सपोज तुमने ले लिया 3, 3 से स्लाइटली लेस देन वैल्यू ली तुमने 2.9, और स्लाइटली नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं सपोज ली -4, -4 से स्लाइटली लेस देन वैल्यू बताओ, स्लाइटली लेस देन, वेरी गुड कर दी ना जय, 3.9 इधर की साइड आ जाएगी -3.9, राइट यही तो झोल है। अब तुम लेते इधर 3.9, तो देखो सारा सीन उल्टा नहीं हो जाता, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते सब, फिर अपने आप से कहते हो भाई ये क्या हो रहा है ना, हाँ देखना पड़ेगा ना, माइनस ही तो वक्त बदल रहा है सारा, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, स्लाइटली लेस देन वैल्यू पे तुमने देखा कि जो तुम्हारा डेरिवेटिव का साइन है ना वो आ रहा है पॉजिटिव, एफ डैश एक्स वैल्यू पुट करनी है, ये -4.1 को एफ डैश एक्स में पुट करके देखना है, पुट करके देखना है, पुट करने से पता चला साइन आया एफ डैश एक्स का पॉजिटिव, फिर स्लाइटली ग्रेटर देन वाली उठाएंगे, एक क्वेश्चन करोगे ना तो और अच्छी क्लैरिटी आएगी, -3.9 को पुट किया पता चला साइन आया नेगेटिव, तो तुम्हारा डेरिवेटिव जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, सेंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो किसका पॉइंट है ये 4, -4 मैक्सिमा का, ठीक है ना। अब इसको फील भी करेंगे सर ऐसा ही क्यों, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमम क्यों, तुम खुद बताओगे देखना, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारा एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है, इसका उल्टा, अगर तुम्हारा एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पता चला जो स्लाइटली लेस देन वैल्यू है ना उस पे साइन आया नेगेटिव और ग्रेटर वैल्यू पे आया पॉजिटिव, तो साइन कैसे जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सेंस के अकॉर्डिंग नेगेटिव पहले आ गया तो मिनिमा का पॉइंट है वो -4, कर लोगे सर? पता चला साइन ही चेंज नहीं हो रहा सर, लेफ्ट साइड पे भी नेगेटिव आ रहा है, राइट साइड पे भी नेगेटिव, सर लेफ्ट में पॉजिटिव आया तो राइट साइड पे पॉजिटिव आ रहा है, अब सर तो उसके ऊपर तुम्हारा फंक्शन कोई रिएक्शन नहीं देगा वो स्टे लेके बैठा है वहां पे तसल्ली से, तो वहां पे उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि वो कोई वो नहीं कर रहा, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, रुका हुआ है वो, इन्फ्लेक्शन ये रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आएंगे ऐसे पॉइंट भी, तुम देखना कि एफ डैश एक्स का स्लाइटली लेस देन पे भी साइन वही है, ग्रेटर देन पे भी वही है, तो इसको बोलते हैं कैसा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बंदा कह रहा है सिमिलर टेस्ट होल्ड फॉर बी एंड सी, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे सबके लिए सेम काम करना है बारी बारी, तो आ जाओ एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ देखना, ठीक है देखो, सपोज यही क्वेश्चन उठा लेते हैं x³ - 3x वाला, राइट यही पे सोल्व कर लेते हैं इसको, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, इसका करते हैं डेरिवेटिव, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा
यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेंशन क्या हुआ है, ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो ये तो बात की बातें हैं, सबसे पहले तो पॉइंट निकालना बड़ी बात है, पॉइंट निकलेगा ना तब उस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वाले पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो पहले तो निकालते हैं पॉइंट, उससे पहले निकालते हैं डेरिवेटिव। बड़े भैया की बारी आ गई, बड़े भैया आगे कितने, 3x2 - 3। बड़े भैया को रखते हैं इक्वल टू 0 क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए। तो बड़े भैया की वैल्यू कितनी आई, 3 × x² - 1 इक्वल टू 0। भाई साहब सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात, अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात बड़े दिनों में आया, तुम्हारा f'x है ना, तुम्हारा f'x ऑलवेज, देखो लास्ट टाइम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बोला था लेकिन यहां कंडीशन है, ऑलवेज मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। ये सबसे बड़ी बात है, सारे क्वेश्चन सॉर्टेड हो जाएंगे। तुम्हारा f'x फैक्टर्स की फॉर्म में होना चाहिए और उन फैक्टर्स के साथ साइन की छेड़खानी मत करना भाई। माइनस आ रहा है तो उस माइनस को जीरो की साइड लेके ना, जीरो के बराबर तो हम अपने उसके लिए पुट करते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जीरो के इक्वल पुट करते हैं, वरना जीरो के इक्वल थोड़ी ना होता है f'x। f'x की वैल्यू तो ये है, जीरो के इक्वल तो हमने पुट किया है, तो इधर से माइनस का प्लस का साइन, ये तीन भी उठा के मत ले जाना, बता रहा हूँ कभी तीन को नीचे ले जाना, तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम यहां से निकालो बस वैल्यूज, बात खत्म। तो इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ भाई मैं थोड़ा सा, ये f'x है तुम्हारा, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर लूँ क्या, क्या है फैक्टर्स, 3 × x - 1 × x + 1 इक्वल टू 0 रख दो क्रिटिकल वैल्यू के लिए, 3 0 हो सकता है, तो या तो x माइनस वन 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा, तो x माइनस वन 0 आएगा तो वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है, और अगर x प्लस वन 0 आया तो वैल्यू कितनी आई, -1। तो आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, 1 और -1, तो हमें पता चला अच्छा दो पीक बनेगी लेकिन ये नहीं पता चला ऊपर बनेगी या नीचे, तो सर ये कैसे पता करें, सुनो अब करते हैं डेरिवेटिव टेस्ट। अब बारी आ गई भाई साहब की, तो भाई साहब क्या बोलते हैं कि जो भी क्रिटिकल वैल्यू आई ना उन पे ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना, at x = 1 आप टेस्ट लगा रहे हो, अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऐसे लिख देना, ठीक है ना। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्लाइटली लेस देन वैल्यू लोगे x = 1 की, तो स्लाइटली लेस देन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इधर थोड़ी सी 0.9, ठीक है, at x = 1 लिखना और 1 को थोड़ा सा इधर स्लाइटली लेस देन लेना 0.9, at 0.9 थोड़ा सा इधर लेना at 1.1, 0.9 पे f'x की वैल्यू बताना उनको, फिर f'x की वैल्यू, अब f'x के अंदर f'x क्या बताओ, 3 × x - 1 और x + 1, एग्री, बोलो f'x का साइन देखो 0.9, स्लाइटली लेस वैल्यू, सबसे पहले स्लाइटली लेस करनी है याद रखना हमेशा, थोड़ा सी छोटी कभी दरवाजे पुट करके बैठ जाओ सारा सीन पलट जाएगा, उल्टा डिसीजन दे दोगे, स्लाइटली लेस देन वैल्यू, स्लाइटली लेस देन वैल्यू, इधर पुट की तो 0.9 में से गए तो नेगेटिव, इधर पुट की तो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मैंने इसलिए कहा था फैक्टर्स में क्यों रखना है पता चला होगा, क्योंकि हमें सिर्फ मतलब है साइन से, हमें सिर्फ साइन देखने, वैल्यू से मतलब नहीं है, और जब तक आपका अगर फंक्शन ऐसा रहा ना इस फॉर्म में रहा इस फॉर्म में इस फॉर्म में, तो तुम साइन देखने में टाइम लगा दोगे भाई, पहले उसका स्क्वेयर करना पड़ेगा, अगर फैक्टर्स में होगा ना तो मस्त सिंबल पता चल जाएगा, बस साइन पता चल जाएगा सीधा सीधा। अब बात करते हैं 1.1 पे, अब बात करते हैं 1.1 पे, तो तुम्हें लेफ्ट साइड में पता चल गया साइन कैसा आ रहा है, लेफ्ट साइड का साइन नेगेटिव आ रहा है, राइट साइड का बता दो 1.1 पे, 1.1 पे ये वैल्यू कैसा साइन देगी, पॉजिटिव, ये कैसा देगी, पॉजिटिव, बोलो 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 माइनस करोगे तो साइन पॉजिटिव आएगा ना, हाँ जी, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो तुम्हारा साइन जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, हेंस हेंस दिस पॉइंट इज ऑफ मिनिमा, हेंस x = 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू देगा ये, तो इस पॉइंट को पुट कर देना फंक्शन में, फंक्शन क्या था सर, x³ - 3x, तो इसमें पुट कर दो 1³ - 3 × 1, वैल्यू कितनी आई -2, तो ये तुम्हारी है मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये पॉइंट है लोकल मिनिमा का, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, बारी बारी चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू वन कर लिया, अब बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, ऐसे ही सेम सिनेरियो, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। सबसे पहले स्लाइटली लेस, स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लेनी है, ठीक है। स्लाइटली लेस वैल्यू क्या लोगे बताओ, स्लाइटली लेस देन वैल्यू माइनस, स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ, 3 × x − 1 × x + 1, ठीक है। पुट करके देखो, पुट करके देखो, स्लाइटली लेस देन वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है, -1.1। यहाँ पुट की तो कैसा आएगा नेगेटिव, यहाँ पुट की तो कैसा आएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, साइन देखना है बस। और ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ ना, सेम बना सकते हो तुम, बिल्कुल इंप्रेसिव जाएगी, ठीक है। उसके बाद इधर की साइड, राइट साइड चेक करते हैं, -0.9, -0.9 पे ये कैसी वैल्यू देगा नेगेटिव, ये कैसे देगा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ के प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन सिंबल तो नेगेटिव रहेगा ना, तो ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, कैसा आ जाएगा नेगेटिव, तो इसका साइन आया नेगेटिव। कहां जा रहे हो तुम, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जो -1 है वो किसका पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है वो, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है ना, तो इस पॉइंट को पुट कर दो फंक्शन में, फंक्शन में जाके पुट करना मत भूलना। फंक्शन था x³, मतलब -1 का क्यूब, -3 × x, मतलब -1, तो यहाँ से आया -1 + 3, वैल्यू कितनी आई 2, तो ये तुम्हारे फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ऐसे करना है, क्वेश्चन समझ आ गया, ओके। तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब तुम मेरे को ये बताओगे, सर ऐसा क्या हो रहा है, सर ऐसा क्या हो रहा है, एक बार टाइम देख लेते हैं, अभी रिकॉर्डिंग को भी देख रहे हैं, ओके, रिकॉर्डिंग 9:07 हो गई, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन कितने हैं, एक सेकंड रुकना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है ना बच्चों, उनसे हेल्प ले लेना, तुम्हें क्वेश्चन करने का तरीका नजर आ जाएगा कि क्या क्या लिखना है। वैसे मैंने तुमको बता दिया है, तुम डायग्राम की हेल्प ले सकते हो, जब भी किसी वैल्यू पे चेक करने जाओ ना, तो उसको बिल्कुल बीच में लिख लेना, वन वन लिख लिया बीच में, और उससे ऐसे एरो डाल देना, दो एरो डाल के स्लाइटली लेस देन वैल्यू इधर लिखना, स्लाइटली लेस देन वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू, ठीक है ना। स्लाइटली लेस देन वैल्यू फिर लिख लेना, यहाँ पे क्या आएगी 0.9, और इधर क्या आएगी 1.1, और फिर इसके नीचे एफ डैश एक्स अलग से लिखना, अलग से लिखना 3 × x − 1 × x + 1, इसके नीचे एफ डैश एक्स अलग से लिखना 3 × x − 1 × x + 1, फिर इसका साइन चेक करके दिखाना, यहाँ पुट करोगे तो यहाँ कैसा आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ करके दिखाना नेगेटिव, फिर यहाँ पुट करना, ये यहाँ पे कैसा आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा आएगा पॉजिटिव, इन दोनों से कैसा आएगा पॉजिटिव, फिर बोलना एज द साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेंस दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ऐसे ये ग्राफ बना सकते हो तुम, ऐसा डायग्राम, समझ गए। बीच में वो वैल्यू लिख लो, स्लाइटली लेस देन और ग्रेटर देन की एरो निकाल दो दोनों साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का तरीका देख लोगे ना, एग्जांपल से भी हेल्प ले लेना, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार ये देख लेता हूँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जो हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को छोड़ देना, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एक बार बता देता हूँ फटाफट, ठीक है ना, ताकि तुम क्वेश्चन करके ला पाओ, या फिर कल ही करें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को, आज इसका मतलब बता देता हूँ फर्स्ट का, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना जस्ट 5 मिनट की है, उसका बेसिक सिर्फ 5 मिनट का है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ चुके हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे मैंने तुमको कहा था, एक तो होता है लोकल गुंडा, एक होता है ग्लोबल गुंडा, इंटरनेशनल डॉन, तो कल है इंटरनेशनल डॉन की बारी, तो कंसेप्ट तो तुम आज ही पढ़ चुके हो, तो कल सिर्फ बताना बताना है कि ग्लोबल डॉन किसको बोलेंगे, ठीक है ना, कल का ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। तो कल दोनों चीजें पढ़ लेंगे, एक तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। आज लास्ट डिस्कशन ये कर लेते हैं बस, कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना क्या बता रहा है। चलो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वैसा ही, सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, और ये पॉइंट है मिनिमा का और ये पॉइंट है मैक्सिमा का। लोकल मैक्सिमा के पॉइंट की बात करते हैं, लोकल मैक्सिमा पॉइंट के जस्ट ये आया तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट राइट, सपोज ये पॉइंट आया ए। तुमने अभी अभी बात की थी सर स्लाइटली लेस देन वैल्यू लेंगे, स्लाइटली लेस देन मतलब तुम इधर आ जाओगे राइट,
इधर जो तुम्हारी कर्व है वो कैसी है? इंक्रीजिंग कर्व है ना, इंक्रीजिंग कर्व है ना। बोलो, अगर कर्व इंक्रीजिंग है, कर्व अगर इंक्रीजिंग है तो उस पे जो टेंजेंट है वो किस टाइप की डलेगी? इस टाइप की डलेगी, इस टाइप की, इस टाइप की टेंजेंट डलेगी। यानी कि उसका स्लोप कैसा रहेगा, इधर की साइड स्लोप कैसा रहेगा? एफ डैश एक्स पॉजिटिव, राइट। अब बात करते हैं स्लाइटली ग्रेटर देन की। स्लाइटली ग्रेटर देन में कर्व डिक्रीजिंग होगी हमेशा, कर्व डिक्रीजिंग होगी तो उसमें लाइन कैसी डलेगी? ऐसी डलेगी टेंजेंट, टेंजेंट ऐसी डलेगी तो उसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव होगा, राइट। यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन की साइड देखे तो स्लोप आ रहा है नेगेटिव। हम स्लाइटली लेस देन से ग्रेटर देन की साइड गए पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्यू टू अवर स्लोप, तो हमने क्या बोला था? वो पॉइंट किसका होता है? मैक्सिमा का। और ये पॉइंट मैक्सिमा का है कि नहीं है? दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि सर वाई पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना इस बात की गारंटी कैसे देता है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा की। ये जो पॉइंट आपके पास स्लाइटली लेस देन वैल्यू जब इसकी चूज करोगे तुम, स्लाइटली लेस देन, तो उधर से कर्व क्या हो रही है? डिक्रीज, डिक्रीजिंग कर्व पे टेंजेंट कैसी डलती है? ऐसी। यानी कि स्लोप कैसा आएगा? अरे डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप कैसा होता है? फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव होगा ना, हाँ जी। और स्लाइटली ग्रेटर देन है तो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो डेरिवेटिव कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो फंक्शन कैसी, वो वैल्यू कैसी थी? मिनिमा। तो ये भी कैसी वैल्यू है देख लो तू, किसकी वैल्यू है ये? मिनिमा की वैल्यू है। समझ आ गया? ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, ये इसका मुंह बड़ा बन रहा है। ये बड़ा मुंह किसका है? तुम सबका तो छोटा छोटा मुंह है, ठीक है ना। हैप्पी हैप्पी। आज एक चीज और छोड़ देते हैं, न्यू न्यू ईयर, नहीं वाई को अच्छा सा बनाते हैं, न्यू ईयर। और इसके आगे लिखते हैं 2024 फैक्टोरियल माइनस 2023 फैक्टोरियल अपॉन 2023 फैक्टोरियल, दिस इज माई वे। इसकी वैल्यू क्या आएगी? समझ गए ना, निकालना दूर की बात लेकिन पक्का कंफर्म है 2023 आएगा। ओके थैंक यू एवरीवन। अभी इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं।